हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जो एमडी आप मटेरियल मेडिका में कर रहे हैं, यदि आप मटेरियल मेडिका में एमडी कर रहे हैं तो मटेरियल मेडिका में एमडी करने में आपको जो पार्ट वन में जो पेपर देना है मटेरियल मेडिका में क्या सिलेबस है, पार्ट टू में जो पेपर देने हैं मटेरियल मेडिका में क्या सिलेबस है, उसके बारे में लगातार बहुत सारे क्वेश्चन आए, उसके बेस पे वीडियो बना है। तो यदि आप मटेरियल मेडिका में एमडी कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, क्या उनका कोर्स होगा, कैसे पेपर होंगे। कॉन्सेप्ट्स वही है, कॉमन कॉन्सेप्ट्स वही है कि भाई 3 साल का होगा, मैक्सिमम आपको भी 6 साल में एमडी कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें एमडी का जो है 3 साल, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट वन में पार्ट टू में। यदि हम पार्ट वन की बात करते हैं तो पार्ट वन में आपको याद रखना है वो होता है आपका, उसमें 18 महीने का आप मान लीजिए, और पार्ट टू भी क्या होगा 18 महीने का होगा। जो पार्ट वन जो आपका 18 महीने का, उसमें याद रखें 1 साल हाउस जॉब आपको करना है, आपको आपके हॉस्पिटल में हाउस जॉब करना पड़ेगा, 18 महीने हाउस जॉब करके सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और जहां आपका हाउस जॉब जिस दिन खत्म हो जाएगा, आपका 1 साल हो जाएगा, वहां से 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा पार्ट वन का एग्जाम होगा, पार्ट वन को कंप्लीट करने के लिए एग्जाम होगा। ठीक, इसके अलावा पार्ट वन में आपको क्या करना है, आपकी जो एमडी होती हो मटेरियल मेडिका में, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको रिसर्च करना होता है, रिसर्च करने के लिए आपको डिजर्टेशन वर्क करना होता है। लेकिन पार्ट वन में क्या होगा, आपको जो भी रिसर्च करना जिस टॉपिक पे, लेकिन आपका मटेरियल मेडिका है तो आपका मटेरियल मेडिका से रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए, मटेरियल मेडिका से रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। इंपॉर्टेंटली याद रख लें, जब भी कोई टॉपिक बनाए आप तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही टॉपिक बनाए। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का ले आता है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का ले आता है, लेकिन आपको मटेरियल मेडिका के अकॉर्डिंग ही टॉपिक बनाना है ताकि आपका इजिली सेलेक्ट हो जाए। मटेरियल मेडिका टॉपिक लाएंगे, फिर उसके बेस पे फ्यूचर में क्या काम करना चाहते हैं उसको शॉर्ट में आपको लिख के बताना है, हेडिंग्स में, जिसे हम बोलते हैं सिनॉप्सिस। तो आपको सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी, और वो सिनॉप्सिस जो है, वो जो सिनॉप्सिस है आपकी, वो सिनॉप्सिस को आप बना लीजिए और उसको सबमिट करिए। टॉपिक सेलेक्ट होने के बाद सिनॉप्सिस सबमिट करिए, ये बहुत जरूरी होता है, और आपकी सिनॉप्सिस कॉलेज में सबमिट होगी, वो पास होगी नहीं होगी वो भी आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। यदि आपने अच्छा बनाया होगा तो एक बार में पास हो जाएगी। कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सिनॉप्सिस रिलेटेड बनाने में कोई तकलीफ हो रही है तो। इसके बाद आपका 80% अटेंडेंस चाहिए, और फिर 18 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट की हम बात करेंगे, जो हर कोर्स कोई भी ब्रांच वाला एमडी वाला उसको होता है, उसमें सब में होता है, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टेट। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टेट जो होता है, ये आपके जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो भी डाटा आपको मिल रहा है उसको प्रॉपर टेबल में अरेंज करना होता है, उसको अरेंज करके कैलकुलेट करना होता है, फिर आप उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं रिजल्ट के साथ। तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट आना चाहिए जो 100 नंबर का होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, थ्योरी 100 नंबर का होता है, 100 में से 50 नंबर आपको लाना है। दूसरी हम बात करेंगे, पेपर सेकेंड होता है एडवांस टीचिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी। इसमें एग्जैक्टली आपका बीएचएमएस में जो भी आपने मटेरियल मेडिका पढ़ी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, जो भी आपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ी, जो भी आपने रिपर्टरी पढ़ी, तीनों का मिला के पेपर आता है 100 नंबर का, 50 नंबर पास होने के लिए होता है, एंड 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 100 नंबर का थ्योरी हो गया, 50 नंबर लाना है, और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, 25 नंबर आपको वहां लाना होगा। ठीक, थर्ड पेपर जो होगा आपका मटेरियल मेडिका का, जिसमें आपको 100 नंबर का पेपर होगा और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 100 में से 50 लाना है और 50 में से प्रैक्टिकल में 25 आपको लाना होगा। लेकिन जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें सिलेबस क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो सिलेबस ये होगा, आप देख लीजिए सिलेबस में, ठीक है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन में। तो जो पार्ट वन है, पार्ट वन का जो आपका पेपर होगा पार्ट वन में मटेरियल मेडिका का, उसमें आप देखिए बेसिक मटेरियल मेडिका के आपको सोर्स बताने हैं, सोर्स ऑफ मटेरियल मेडिका, ड्रग प्रूविंग एंड कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेडिका का, ठीक है। इसके अलावा साइंस एंड फिलोसफी ऑफ मटेरियल मेडिका, स्टडी ऑफ मटेरियल मेडिका, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ मटेरियल मेडिका, सोर्स ऑफ ड्रग एंड फैमिली इन ग्रुप, कैटास्टिक एंड ड्रग रिलेशनशिप आपको बतानी है। सेकेंड क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल डिजीज, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग प्रूविंग, अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन एंड द फिलोसफी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोर्स बुक जो हो गया, ये आपको देखना है, पार्ट वन में एग्जाम में आएगा, जनरल टॉपिक है ये। उसके बाद आगे देखेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे लिस्ट में, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हो गया, डेवलपमेंट ऑफ स्टडी ऑफ मैन हो गया, स्टडी ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन हो गया, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन फ्रॉम हैनिमैन
परसेप्टिव्स हो गए, ये आपको देखना है। जितनी भी लिस्ट बनी है ये आपको पूरे के पूरे आपको मॉर्टरी मेडिका के पहले पेपर में देखना है, ठीक है, ये देखना है। इसके अलावा आप आएंगे फिर ये कंपरेटिव मॉर्टरी मेडिका देखना है। कंपरेटिव मॉर्टरी मेडिका में आपको ये लिस्ट दिख रही होगी मेडिसिन की, ये आपको देखना, जितनी भी ये मेडिसिन हैं ये आप देख पा रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पूरा का पूरा, और इंडिविजुअली आप मांगेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इंडिविजुअली मांगेंगे आप मेरे से तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कहां पर मेल भी कर दूंगा, ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक। एंड ये आपका है आगे कंपेरेटिव में ग्रुप एंड कंपेरेटिव स्टडी, ये दिख रही है आपको ग्रुप वाली स्टडी, ये आपका पेपर फर्स्ट में आएगा, ठीक है। तो जो पेपर फर्स्ट है पार्ट वन का पेपर फर्स्ट है, इसमें इतनी सारी चीज पढ़नी है आपको, ये देखिए आप पूरा का पूरा सिलेबस है, ये आपको पढ़नी होगी मटेरियल मेडिका वाले बच्चों को स्टूडेंट्स को ये करना होगा, ठीक है। तो ये आपका है पार्ट वन, इसमें आपको 100 नंबर का थ्योरी 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब हम बात करें पार्ट टू के लिए, जब पार्ट टू में आएंगे तो पार्ट टू में आपका डिजर्टेशन वर्क होगा, जो सिनॉप्सिस आपने बनाई है उसको कंप्लीट डिटेल में कन्वर्ट करना है, 100 पेजेस में करीब आपको लिखना हो, वर्ड्स होते हैं उसमें भी आपको लिखने होते हैं, और आपको पूरा का पूरा डिजर्टेशन कंप्लीट करना है, ठीक। उसके बाद डिजर्टेशन में कोई तकलीफ हो कोई समस्या तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कैसे लिखना है, क्या तरीका है, क्या पैटर्न है, कैसे स्पेस होना चाहिए, क्या वर्ड्स होने चाहिए, कैसे वर्ड का फोन पूरा कंप्लीट आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड जो है पेपर जो आपका पार्ट टू है इसमें आपका एग्जाम होगा, दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट पेपर टू होगा, मटेरियल मेडिका पेपर फर्स्ट मटेरियल मेडिका पेपर टू, जो 100-100 नंबर के थ्योरी होंगे, 200 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 100-100 में से 50-50 लाना है, पेपर फर्स्ट 100 नंबर का, पेपर टू 100 नंबर का, प्रैक्टिकल 200 नंबर का, टोटल मिला के 400 नंबर का आपका इसमें हो रहा है, प्रैक्टिकल 200 थ्योरी 200 की हो रही है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में आपको देख रहे होंगे, आप देख पाएंगे आप स्क्रीन में, देखिए पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना है भाई, देखिए स्टडी ऑफ रेमेडीज अंडर द एनिमल किंगडम एंड वेजिटेबल किंगडम पढ़ना है, ड्रग पिक्चर फ्रॉम द पॉलीकस्ट रेमेडी लिस्ट लिखी हुई है, पूरी लिस्ट आपको देखिए इनकी ड्रग पिक्चर पॉलीकस्ट रेमेडी की पढ़नी है आपको, ठीक है। ये आपको देख रही है टोटल ये आपको इसमें है 127 127 मेडिसिन जो है इसकी डीपी आपको याद करनी है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ सकती है। फिर इसके अलावा क्या है, कंपरेटिव मटेरियल मेडिका ग्रुप देखना है आपको, ये दिख रहा है आपको जितने भी स्पाइडर इंसेक्ट फिश ये ग्रुप की आपकी कंपरेटिव स्टडी भी आपको करनी है। पेपर ये आपका टोटल 100 नंबर का आएगा, पेपर फर्स्ट में 100 नंबर का, 50 नंबर आपको पास होने के लिए। पेपर नंबर सेकंड जो होगा ये आप देख पा रहे होंगे आप इसमें, ये आप देख लीजिए स्टडी ऑफ रेमेडी नोसोड बॉबल नोसोड सार्कोड इम्पोन्टबेलिया एसेंड्रिक सोर्स हो गया, कंपेरेटिव मटेरियल मेडिका हो गया, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आगे लिस्ट ऑफ मेडिसिन पेपर पेपर सेकंड ठीक है पार्ट सेकंड, ये है आपका लिस्ट जो मटेरियल मेडिका दी है आपको ये देखनी पड़ेगी, लिस्ट ये आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है, 40 तक की मेडिसिन ये आपको पढ़नी है। तो पेपर सेकंड में आपको ये छोटा सा सिलेबस है ये आपको देखना है, पेपर सेकंड में 100 नंबर का आएगा और आपको पास होना है, ठीक है। तो पेपर पार्ट टू का पेपर फर्स्ट में क्या आता है, पार्ट टू के पेपर सेकंड में क्या आता बता दिया मैंने, और पार्ट वन के पेपर नंबर थर्ड जो मैथमेटिक्स उसमें क्या आता है वो भी आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके आप मेरे से भी ये इंडिविजुअल ले सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका प्रॉपर सिलेबस है, ये आपको याद होना चाहिए एग्जाम में मटेरियल मेडिका को, मटेरियल मेडिका एमडी करने में आपको सिलेबस आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके मेरे नंबर पे आप बात करके मेरे से पूछ सकते हैं।